नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए मॉडल पेपर ये अपना रहने वाला है। कौन सा है भाई? फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का यहाँ पर रहने वाला है अपना मॉडल पेपर। ये अपना हो जाता है 2022 का मॉडल पेपर। धुआं धुआं करने वाले हैं 2022 के एग्जाम में। अगर ये आपने 10 से 12 क्वेश्चन पढ़ लिए तो इस जो अपना सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से यहां पर 2022 में आपके छपने वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है? उद्यमिता क्या है? उद्यमिता क्या है, इसकी विशेषताएं, इसके गुण और इसके दोष के बारे में बताइएगा। और भाई, इसका नोट्स चाहिए। अगर आपने बुक या कोई भी चीज परचेस नहीं की है तो आप नोट्स ले सकते हो। हमारे क्या ले सकते हो भाई? नोट्स ले सकते हो, जिसका लिंक कहां मिलेगा भाई? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में। नोट्स डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने देख लिया, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाला है, कि उद्यमिता क्या है, इसकी विशेषताएं, गुण तथा इसके दोष को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि नेतृत्व क्षमता किसे कहते हैं? नेतृत्व क्षमता है क्या? उद्यमिती, जो उद्यमी होता है उसके नेतृत्व की विशेषताएं तथा उसके गुण को आपको बताना है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम देखने को मिलेगा छपते हुए आपके एग्जाम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कह रहा है अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिएगा। जो अभिप्रेरणा है उसको क्या करना है? परिभाषित करना है। इसकी प्रक्रिया भी आपको बता देना है भाई, कि इसकी प्रक्रिया होती क्या है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाता है, जोखिम पूंजी अथवा साहसी पूंजी का अर्थ आपको बताना है। जोखिम पूंजी किसे कहते हैं या फिर साहसी पूंजी किसे कहते हैं, इनका क्या बताओ भाई? अर्थ बताओ, इसकी विशेषता, इसके प्रकार भी बता दो। हेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एग्जाम में, हेडिंग डालना मत छोड़ना। आगे बढ़ते हैं, ना भूलना है हेडिंग को। ठीक है, हेडिंग तो भूलना ही नहीं है और ना ही हमें बुक सीट में छोड़ना है। ठीक है, हेडिंग डालकर ही क्या करना है? थ्योरी लिखना है, नंबर अच्छे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपक्रम स्थापना की प्रक्रिया। जो उपक्रम स्थापना की प्रक्रिया को आपको क्या बताना है भाई? संक्षेप में वर्णन करना है। खुलकर लिख दो, खुलकर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2022 में मिलने वाला है, कि नवाचार या फिर नव परिवर्तन। नवाचार या फिर नव परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है? फटाफट लिख दो इनके लिए हेडिंग डालकर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सेम देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाता है? उद्यमिता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो उद्यमिता है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसको क्या करना है भाई? समझाना है, इसको समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतुलित आर्थिक विकास का अर्थ। संतुलित आर्थिक विकास का अर्थ बताना है और इसके क्या बता देना है भाई? इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इनको खुलकर लिखना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है, हेडिंग जरूर डालना। कह रहा है भारतीय मानक ब्यूरो, जो भारतीय मानक ब्यूरो है BTS, इसके बारे में तथा ISO 9000 के उद्देश्य एवं कार्य विधि एवं उनमें अंतर बता दो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपा हुआ देखने को मिलेगा 2022 में आपके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निर्यात प्रोत्साहन क्यों आवश्यक है। जो निर्यात प्रोत्साहन है वो है क्यों आवश्यक, इसको बताओ। कठिनाइयों का वर्णन भी आपको करना है। क्या करना है भाई? कठिनाइयों का वर्णन भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ये हो जाता है सर MSP अखोरी का मॉडल जो हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सेम देखने को मिलने वाला है। MSP अखोरी का मॉडल आपको प्रस्तुत करना है, इसकी व्याख्या करो, मिलेगा देखने के लिए। एक उद्यमी का पूर्व ग्रह क्या होते हैं, एक उद्यमी के पूर्व ग्रह के बारे में आपको बताना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 2022 में देखने को मिलने वाला है, उद्यमी तथा प्रबंधक के विभेद। जो उद्यमी और प्रबंधक के विभेद या फिर अंतर भी आपसे पूछ सकता है, बात एक ही है। बात करते हैं नियोजन की विशेषताएं भी बताइए, नियोजन की विशेषताएं, नियोजन है क्या, इसके बारे में भी आपको डिटेल में यहां पर लिखना है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, समता पर व्यापार नीति की सीमाएं। जो समता है उस पर व्यापार नीति की क्या बताना है भाई? सीमाएं बताना है और स्वामित्व के प्रकार भी आपको यहां पर बताने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, उद्यमी के समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं उनका वर्णन करो। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सेम देखने को मिलने वाला एग्जाम में। उद्यमी के समक्ष आने वाली जो
जो समस्याएं होती हैं ना उनके बारे में आपको क्या करना है भाई, वर्णन करना है हेडिंग डालकर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाता है 2022 का मॉडल पेपर के अंतर्गत, वो हो जाता है प्रेरणा के महत्व। प्रेरणा के महत्व क्या होते हैं इनको बताना है, सृजनात्मक की प्रक्रिया था इसके प्रकार बता दो, सृजनात्मक की प्रक्रिया एवं उसके क्या बताना है भाई, उसके प्रकार बता देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का, देखो लघु उद्योग के विकास संगठन, जो लघु उद्योग विकास संगठन है जो SIDO होता है, इसके कार्य बता दो भाई, इसके कार्य बता दो कौन कौन से कार्य हैं, और औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं और इसके उद्देश्य बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलने वाला है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपा हुआ देखने को मिलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य क्या होते हैं इनको बताओ, आयात निर्यात 2002 से 2007 की जो विशेषताएं हैं उनको भी आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन हो जाता है मॉडल पेपर का कि रोजगार के अवसरों के सृजन में उद्यमी की भूमिका क्या होती है, इसको भी खुलकर आपको लिखना है। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 से 12 क्वेश्चन है, अगर आपने इतने क्वेश्चन अच्छी प्रकार से पढ़ लिए तो आपका एग्जाम बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाला है, धुआं धुआं करके आओगे, टॉपर बन के आओगे, क्योंकि 100% यहीं से देखने को हमारे पास मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो एक बार देख लो, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार क्या कर लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये हमारा हो जाता है 2022 का बीकॉम सेकेंड ईयर का, ठीक है ना, हो गया ना, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़ फोड़ कर देना, नोटिफिकेशन आपके खरा के मिलेगा फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़ फोड़ कर दो जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पे आ जाए। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, सभी के लिए अच्छी प्रकार से पढ़ना, हेडिंग पर कुछ ज्यादा ही फोकस देना, ठीक है भाई, बिल्कुल।